दोस्तों आज एक लैपटॉप रिव्यू दे रहा हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त नोटबुक है, लैपबुक 8350 है। इसका आप देखें, डेस्कटॉप देख रहे हैं, विंडो 10 बिल्ट इन है, यानी कि इसकी अपनी ओरिजिनल एक्टिवेटेड विंडो है, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है और अपडेटेड ऑलरेडी। अभी मैंने अपडेट भी किया है, तो रिकवरी होती है, रिकवरी से ये अपडेट हो जाता है और बहुत ज़बरदस्त इसका एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास आप लेना है तो बहुत ज़बरदस्त है। ये 2-in-1 है, इसमें ऑलरेडी लैपटॉप, नोटबुक और इसके अलावा ये एप्लीकेशन स्टोर एज ए टैबलेट, टैबलेट प्लस पीसी है। तो ये बहुत अमेजिंग है, बहुत ईजी है। इसका टच पैड, कीबोर्ड बहुत ज़बरदस्त है, यूनिक है। इसका वेबकैम बिल्कुल इस साइड पे लगा हुआ है, ये मैं वीडियो में दिखाता हूँ। पहले इसका मैं फीचर दिखा दूँ कि ये इस तरह एप्लीकेशन स्टोर है, तो इससे भी आप हर चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन हमें अलग से कोई ब्लू स्टैक या इस तरह की सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए कि एप्लीकेशन चलाएँ, डायरेक्ट इसमें टैबलेट मोड पर ये चलते हैं और लैपटॉप मोड पर, नोटबुक मोड पर ये आपको बाकी ये देखें ऑफिस और सारी चीज़ें हैं। इसकी बैकअप तकरीबन ये 10,000 mAh बैटरीज के अंदर है, तो ये मैंने यूज़ किया है तो 10 घंटे इसका बैकअप वीडियो के साथ है। अगर आप नॉर्मल काम कर रहे हैं तो ये आप भूल जाएं इसको चार्जिंग पे लगाने के लिए। 5 वोल्ट का ये इसका चार्जर होता है, बाकी लैपटॉप में 12, 15, 19 वोल्ट होते हैं, 5 वोल्ट और 4 एम्पीयर का। बाकी जो भी आप लगाएंगे ये ऑन नहीं होगा। तो इसके ये स्पेक्स देखें, इतनी ज़बरदस्त स्पेक्स हैं। ये 8th जनरेशन है, X5Z8350, 1.44 GHz और इसके अलावा इसका डिस्प्ले इंतहाई ज़बरदस्त है, HD ग्राफिक्स है इंटेल, बहुत ज़बरदस्त साउंड है और ये साउंड भी 7.1 चैनल है जो नॉर्मल 2.1 हम लोग यूज़ करते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त, आप वैसे इसकी स्पेक्स चेक करें तो आपको पता चलेगा कि ये इसकी शेप है। Z8350 फुल स्पेसिफिकेशन है और ये देखें इसके इतने फीचर हैं जो विंडो लैपटॉप है, इसके लैपबुक है और इसके अलावा इसमें चेरी टेल एक्स जिसका 64-bit प्रोसेसर है, HD ग्राफिक्स है, DDR3L, ये बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल इसकी रैम है और ये बिल्ट इन इसकी SSD है और एक मेमोरी कार्ड भी लगाया हुआ है मैंने, मेमोरी कार्ड स्लॉट है। तो ज़बरदस्त इसकी एक्यूरेसी बहुत टॉप की है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 64-bit है और अपडेट हो जाता है जिस टाइम चाहे अपडेट हो जाता है, रिकवरी डिस्क बन जाती है और आपको कोई USB नहीं चाहिए, कोई बूटेबल USB नहीं चाहिए, बस आपने इसको रिस्टार्ट करना है, रिकवरी मोड पे जाना है और बस 2 सेकंड में इसने आपका सेटअप ऑन कर देना। तो ये इसकी स्पेक्स है और बाकी इसकी वीडियो मैं आपको अभी दिखाता हूँ।